तो ये आपकी स्टोरेज रही। दो हेलमेट आप इजीली कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलती है इसमें, काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलती है। और तो ओवरऑल यहाँ से हम लोग रिव्यू एंड करते हैं, तो प्राइस भी बता देते हैं। तो ऑन रोड प्राइस आपको 1 लाख। Alright, so hey guys, once again welcome back to another amazing video of road rash reshab, and here is the TVS Jupiter 125 जो कि मेरे सामने खड़ी है वाइट कलर में। वैसे 4 कलर आते हैं, एक इंडी ब्लू आता है जो कि मेरे सामने यहाँ पे है, और वैसे ये E20 नहीं, E20 यही है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये E20 और OBD2 वाला वेरिएंट है। एंड इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो 4 कलर आते हैं, एक टाइटेनियम ग्रे कलर आता है, एक वाइट कलर आता है, एक इंडी ब्लू जो कि मेरे सामने यहाँ पे खड़ा है, और एक टाइटेनियम ग्रे कलर आता है। तो 4 कलर में आपको देखने को मिलती है। मेरे सामने वाइट कलर खड़ा है। एंड Here's the scooter, 124 cc's and 8 hp, 10 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इज़ राइट ओवर हेयर। 108 kgs की कुछ इसका वेट आपको देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ साथ 765 mm की सीट हाइट और 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो वॉक राउंड में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बैटरी बॉक्स देखने को मिलता है, जुपिटर की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ पॉकेट्स देखने को मिल जाती हैं इधर साइड, जो कि आप अपना स्टफ कैरी कर सकते हो। इधर एक आपको हुक देखने को मिलता है जिससे कि आप अपना वेट कैरी ये सब कर सकते हो, जो कि अपना कैरी बैग है वो इधर रख सकते हो। तो मैक्सिमम 5 kgs तक आप वेट इधर लोड कर सकते हो। इधर आपको चार्जिंग सॉकेट इधर दे के रखा है, वैसे इसमें दिया नहीं है, आप लगवा सकते हो। और ये रहा ऑन ऑफ और यहाँ पे लॉक, और इधर ही से आप अंडर सीट स्टोरेज भी खोल सकते हो और इधर से फ्यूलिट खोल सकते हो। मैं एक बार दिखा देता हूँ, पुश करके आपको फ्यूलिट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपकी फ्यूलिट है, यहाँ से आप फ्यूल अपना भर सकते हो। और इधर साइड से हम लोग प्रेस करेंगे तो दिखाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आपकी स्टोरेज रही। 2 हेलमेट आप इजीली कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलती है इसमें, काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलती है। और इसको करते हैं बंद यहाँ से। तो इतना ही कुछ स्पेसिफिकेशन था इससे पूरी स्कूटर के ऊपर। एंड यहीं पे हम लोग देखें तो टीवीएस की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिलती है। इधर साइड आपको लाइट और इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, और 3D में आपको जुपिटर 125 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फुटपैक आपको कुछ आपके देखने को मिलते हैं। और फ्रंट एक बार दिखा देते हैं, तो फ्रंट आपको फुली LED देखने को मिलता है, और यहाँ पर LED टेक का ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और इधर साइड आपको इंडिकेटर कुछ देखने को मिल जाते हैं। और यहीं पर हम लोग देखें तो यहाँ पर TVS Intelligo का एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एक बार इसको ऑन करके दिखाते हैं। तो इसका आपका कुछ पूरे मीटर कंसोल है, कट ऑफ स्विच भी आपको देखने को मिलता है, जो कि हम लोग का साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी है। एको और पावर दोनों ही आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे हम लोग बटन प्रेस करेंगे तो एडवांस फ्यूल इकोनॉमी, टाइम, ट्रिप ए मीटर, ट्रिप बी मीटर, ट्रिप एफ मीटर, ओडोमीटर और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। और यहाँ पे फ्यूल गेज देखने को मिलता है, यहाँ स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, यहाँ ट्रेन इंडिकेटर्स का इंडिकेशन, और यहाँ पे TVS की इंडिकेशन, और यहाँ पे इंजन चेक लाइट वार्निंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको, जो कि हम लोगों ने रेजर्ट में भी रिव्यू किया था, तो रेजर्ट में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। एक हिसाब का ये स्मार्ट असिस्ट है, जैसे कि अगर ये ऑफ रहेगा, सॉरी जैसे कि ये ऑन रहेगा, तो अगर आपकी स्कूटी अगर 10 मिनट के लिए स्टैंड बाय खड़ी तो अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा फीचर है फ्यूल बचाने के लिए। और इधर इसका इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हाई बीम देखने को मिलती है, लो फ्यूल का इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है। तो इतना ही पूरे इंस्ट्रूमेंटल कंसोल था जिसके ऊपर मेरे को बताना था। बाकी यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, लो बीम, हाई बीम एंड हॉर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हॉर्न अपाचे वाला ही है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम की फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम लोग देखें तो सीट काफ़ी फर्म्ड है, काफ़ी फर्म्ड आपको सीट देखने को मिल जाती है। एंड बाकी आपको ये 3 वेरिएंट में कुछ देखने को मिल जाती है। एक आपको देखने को मिलता है ड्रम ब्रेक स्टील एलॉय जो कि वहाँ पे खड़ी है, और एक आपको देखने को मिलता है ड्रम ब्रेक एलॉय जो कि मेरे सामने यहाँ पे खड़ा है, और एक आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। मेरे सामने जो स्कूटर खड़ा है वो आपको ड्रम में देखने को मिलता है। 130 mm का ड्रम आगे पीछे दोनों में देखने को मिल जाता है। 12 इंचज़ के टायर साइज़, और यहीं पे 90x90 सेक्शन का आपको टायर साइज़ दोनों ही में देखने को मिलता है, आगे पीछे दोनों में। और इधर साइड आपको एक और हुक देखने को मिलता है जहाँ पे आप अपना कोई कैरी बैग ये सब लोड कर सकते हो। तो इतना ही पूरा रिव्यू था इस पूरे स्कूटर के ऊपर। मेरे को ज़्यादा लंबा रिव्यू नहीं करना था, थोड़े मोटे में बता के पूरा रिव्यू क्लियर कर देना था। बाकी आपको डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड दोनों ही आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे मफलर आपको थोड़ा सा क्रोम में देखने को मिलता है, काफ़ी यूनिक लग रहा है ये भी देखने में। एंड टॉकिंग अबाउट द स्कूटर, तो 125 cc है, एंटॉर के पावर का तो नहीं है, लेकिन पर्सनली बताऊँ तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है ये। माइलेज आपको देखने को मिल जाता है 45 से 50 किलोमीटर का। और ओवरऑल हम लोग रिफाइनमेंट देखें तो काफ़ी बढ़िया रिफाइनमेंट है, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो भी काफ़ी यूनिक है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने दिखाया। तो इधर साइड आप अपना चार्जिंग पोर्ट लगवा सकते हो, अगर आप चाहो तो इधर साइड, और अगर आपको नहीं चाहिए तो वो कोई मैटर ही नहीं करता, तो इधर साइड आप अपना चार्जिंग पोर्ट भी लगा सकते हो। तो इतना ही पूरा इस स्कूटर के ऊपर मेरा रिव्यू था। वैसे आपको कुछ ग्रैबल देखने को मिलता है, ग्लॉसी में ग्रैबल देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर मैं कलर की डिज़ाइन बताऊँ तो मुझे व्हाइट कलर और एक टाइटेनियम ग्रे कलर, वो दोनों ज़्यादा अच्छे लगे। कि थोड़ा सा कलर लाइक ओवर लग रहा है मेरे को। बाकी मेरे पूरे को इतना ही रिव्यू देना था। और इधर साइड आपको कुछ आपकी फिनिश देखने को मिलती है, उधर साइड आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ से हम लोग रिव्यू एंड करते हैं। तो प्राइस भी बता देते हैं। तो ऑन रोड प्राइस आपको 1,05,000 की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। अगर आपको स्कूटर लेना है तो आप इंडिया TVS आके कंफर्म कर सकते हो। और TVS के अलावा कोई भी प्रोडक्ट देखना है लाइक RR 310 एंड रोनिन एंड RTR कोई भी समथिंग, तो आप यहाँ पे आके कंसर्व कर सकते हो। बाकी हम लोग वीडियो यहाँ से एंड करते हैं। तो साइनिंग और फ्रॉम हियर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।